हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, ठीक है, कि मैं जो है आप लोगों से ANM JNM नर्सिंग का, ठीक है, झारखंड का 2019 का क्वेश्चन शेयर करूंगी, क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था कि यूं तो जो नॉर्मल पैटर्न है वो ये है कि आपका 10th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ रहता है, और जो इंग्लिश है वो आपका क्लास 12th लेवल का रहता है। मगर 2019 में क्या हुआ था, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया था। सारे ही जो सब्जेक्ट्स थे वो आपका 12th बेसिस पे आया था। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप 11, 12 को भी इग्नोर करके ना चले, उसको भी देख कर ही चले, ताकि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आगे चलकर खड़ी होती है तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन शेयर करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात अगर कर ले तो देखिए, इंग्लिश में तो स्टार्टिंग से ही आपका 12th बेसिस पे ही आता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि आपका जो करेक्ट जो वर्ड भर मतलब फिल करने के लिए आपको आता है, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए आता है, ठीक है, और सुइटेबल आर्टिकल्स वगैरह भरने के लिए आता है। इसके साथ ही आपको क्या है कि आपको पैसिव वॉयस, एक्टिव वॉयस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लेवल आपका क्लास 10th का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये 12th लेवल का आपका क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होते ही गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं फिजिक्स में से एक क्वेश्चन को उठाऊंगी और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस जो है ये आपका फिजिक्स का एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये 12th का टॉपिक है, ठीक है, उससे लिया गया है ये चैप्टर। आप लोग बहुत बखूबी इस चैप्टर को पहचान सकते हैं अगर आप लोग साइंस जो है 12th साइंस के साथ पास किए हैं तो, कि ये क्वेश्चन आपको कहीं भी क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये आपका 12th का फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जैसे कि आप अगर 42 क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को पता है जो लोग साइंस के स्टूडेंट है कि लॉजिक गेट जो आपका है ये आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर का है, ठीक है, वो चैप्टर भी आपका क्लास 12th का है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर, ये सारे चैप्टर आपका क्लास 12th के चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको कभी भी क्लास 10 में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ और भी बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है, जो आपका क्लास 12th के ही चैप्टर है। जब आप इस क्वेश्चन को बाद में देखिएगा तो आपको ये चीज बखूबी फील होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये 10th का हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस फिजिक्स में आए थे, ठीक है, 2019 में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो है क्वेश्चन किस तरह की आई थी। तो देखिए, जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपका क्लास 11-12 से ही लिया गया है। देखिए, ये जो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जो आपका क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद भी आपके आगे की भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही क्वेश्चन है, लगातार आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपने 12th जो है साइंस से किया है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिख भी दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लिख भी दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है 2019 में आई थी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर SN1 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छा से देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन भी जो है 11-12 बेसिस पे आए हुए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कभी क्लास 10th बेसिस की हो ही नहीं सकती। आगे भी जितने भी आपके क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है 11-12 के बेसिस पर है, ठीक है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं कहीं से भी। आगे और भी आपका जो एल्डोल रिएक्शन, एल्डिहाइड्स, ये सारे कीटोन्स, ये सारे चीज आपका 11-12 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल पे इतना हाई कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर्स वगैरह रहते हैं क्लास 10th बेसिस पे। इसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की तो ऐसे में भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो आपको 11-12 बेसिस पे दे दी जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल के बेसिस पर लेंगे तो देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है ये आपका 11-12 का टॉपिक है, ठीक है, इकोसिस्टम भी आपका 11-12 का टॉपिक है। इसके आगे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो सारी ही चीजें, ठीक है, आपकी 11-12 बेसिस पर ही आई हुई है, ठीक है।
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जेनेटिक्स से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और सारे ही जो क्वेश्चन है ये आपका 11-12 का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो है आपका 10th लेवल पे नहीं पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी जो है आए थे। आगे भी आप लोग देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग अगर एनालाइज करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपको 11-12 के नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 111 जो क्वेश्चन ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया हुआ था, जो कि आपका क्लास 12th का ही टॉपिक है, ठीक है। सारे ही टॉपिक आपका 11-12 से ही आए हुए थे 2019 में, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन थे। अगर बात करें हम लोग मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी 2019 में, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है वो 11-12 का अगर पूछ दे तो आप सोच ही सकते हैं कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स देते हैं वो बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स वाले होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बायो के ही होते हैं, अगर साइंस भी लिया हो तो मैथ में क्या ही हाल हुआ होगा 2019 में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि 22 का जो क्वेश्चन है आपका सेट से आया हुआ है, ठीक है। 23 आपका मैट्रिक्स से आया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आपका क्वेश्चन जो है आया हुआ था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैथ्स में आई थी। आगे अगर देखेंगे तो आगे भी आपको सारी जो टॉपिक्स है 11-12 की ही आपको जो है दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे 127 जो क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। ये 26 भी आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो है टॉपिक्स पूछी गई थी, ठीक है। अब जहाँ तक आपको दिखेगा, ठीक है, सारे ही टॉपिक्स आपको जो है पूरा 11-12 पर ही दिखेगा, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है, जो आपका 10th बेसिस पे आया हुआ था 2019 में। तो इस तरह की जो है गड़बड़ी कैसे हो गई थी हम लोगों को भी समझ में नहीं आया था, मगर जो लोग उस साल एग्जाम दिए थे उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ा है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग दोबारा इस क्वेश्चन को गो थ्रू करें, ठीक है। इसीलिए मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप वहाँ से जा करके उसको फिर से देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आए थे। और इसी के साथ मैं बोलूँगी कि आप लोग 9-10 का तैयारी के साथ ही 11-12 को भी थोड़ा बहुत देख कर ही जाए, ताकि अगर इस तरह का फिर से कभी कुछ गड़बड़ी होता है तो एटलीस्ट आप लोग कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।